So good afternoon to all of you. Okay, so my topic is the blood circulation in mammals. ठीक है, तो आज हम लोग मैमल के में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैमल्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैमल्स हैं, जैसे कि काओ, गोट, बफेलो, ये सब क्या है, मैमल्स हैं. तो मैमल्स में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हार्ट. जो हार्ट क्या है, इज एन पम्पिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. जैसे हम लोग का हार्ट है वो क्या करता है, पम्प करता है, ब्लड पम्पिंग करता है, जो कि पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड. ठीक है, तो ये कैसे सर्कुलेट करता है इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा जानेंगे. ठीक है, पहले हम लोग को क्या पढ़ना, पहले सर्कुलेशन से पहले हम लोग को इसके स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तो हम लोग सर्कुलेशन क्या पढ़ेंगे. राइट, ओके, फर्स्ट ये जो दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. हम लोग का जो हार्ट है, जो मैमुलर हार्ट, ये बहुत ही इवॉल्व हार्ट है, क्योंकि इसमें चार चैम्बर होता है, फोर चैम्बर इन हार्ट, बट जैसे कि फिशेस या फिर एम्फीबियंस ओनली टू और थ्री चैम्बर्स. ठीक है, हम लोग का फोर्थ चैम्बर किस लिए होता है, क्योंकि ड्यू टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हम लोग का जो हार्ट है वो हाईली एडवांस हो गया है. ओके, फोर्थ चैम्बर हो गया है. राइट, चैम्बर कौन कौन सा है, दीज आर द चैम्बर, दीज आर द फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट. राइट, फर्स्ट चैम्बर इज द राइट ओरिकल. देखो चार चैम्बर में ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको ओरिकल कहते हैं, और नीचे वाला जो चैम्बर है उसको वेंट्रिकल कहते हैं, और इस वाले चैम्बर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट ओरिकल, उसको कहते हैं राइट ओरिकल. अब क्वेश्चन ये है, इस वाले चैम्बर को लेफ्ट किस लिए कहते हैं, ये तो हम लोग का राइट है ना, हम लोग लेफ्ट किस लिए कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग हार्ट अपोजिट साइड में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सपोज मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड, तुम क्या सोचोगे, दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर राइट साइड, बट ये मेरा लेफ्ट हैंड है. ओके, हम लोग मतलब हार्ट को हम लोग जो सामने है उसको अपोजिट फेस में लेके कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा, ये लेफ्ट ओरिकल है, ये एक चैम्बर है. ठीक है, और इसको राइट ओरिकल कहते हैं. ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आई मीन दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. और पूरा हार्ट को एक सेप्टम कहते हैं, सेप्टम पूरा हार्ट को डिवाइड कर देता है. ठीक है, हार्ट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ए सेप्टम, दिस कॉल्ड सेप्टम. ठीक है, और ये हो गया हार्ट. अभी हम लोग ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम लोग ब्लड जो सर्कुलेट होगा इसका पहले पाथवे निकालेंगे, फिर हम लोग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. पाथवे मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन प्रोसेस से ब्लड हार्ट के कौन से स्टेप से होके दूसरे यानी सेकंड स्टेप में प्रोसीड करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पाथवे. हाँ, ओके, अभी हम लोग पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे, पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट. हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है, सबसे पहले ब्लड राइट ओरिकल में आएगा. राइट, इसमें आएगा, कैसे आएगा, प्री कैवल वेन एंड पोस्ट कैवल वेन से होके ब्लड में आएगा. कौन सा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हम लोग जो इम्प्योर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जिसमें ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं, इम्प्योर ब्लड इस आई मीन जिसे प्री कैवल वेन एंड पोस्ट कैवल वेन से होके राइट ओरिकल में आके घुसेगा. राइट, तो प्री कैवल वेन से कौन सा ब्लड घुसेगा एंड पोस्ट कैवल वेन में कौन सा ब्लड घुसेगा. हम लोग जो बॉडी है उसका फर्स्ट हाफ, ओके, उसका हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, सपोज दिस इज बॉडी, ओके, दिस इज बॉडी देना फर्स्ट हाफ इसको क्या कहेंगे, इसको एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. राइट, अगेन द सेकंड पार्ट इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ब्लड जो एंटीरियर पार्ट में जो इम्प्योर ब्लड है वो
प्री केवल वेन से आपके हार्ट में एंट्री करेगा राइट एंड जो जो पोस्टीरियर पार्ट का जो ब्लड है वो पोस्ट केवल वेन से होके हार्ट में आएगा ठीक है तो ब्लड में यहाँ पे आ गया राइट फर्स्ट पाथवे क्या आता है फ्रॉम बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है वो क्या होगा फ्रॉम बॉडी टू राइट राइट ओवरिकल ओवरिकल ठीक है बॉडी से क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओवरिकल में एंट्री होगा कौन सा पार्ट से केवल थ्रो केवल वेन ठीक है तो केवल वेन ये क्या है प्री केवल वेन एंड पोस्ट केवल वेन अल्टीमेटली बोथ आर केवल वेन ठीक है केवल वेन से होके आई मीन बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो केवल वेन से होके राइट ओवरिकल में आएगा आई मीन कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा ठीक है अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आएगा कैसे आएगा सो दिस एपर्चर ठीक है देन राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल ठीक है ओके यहाँ से आके यहाँ पे सेकंड कहाँ पे आएगा राइट वेंट्रिकल कैसे आएगा बाय पंपिंग जहाँ पे जो पंपिंग होगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा ठीक है फर्स्ट हम लोग ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे बताएंगे इसके बाद हम लोग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे ये प्रोसेस होता है ठीक है फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स ठीक है हम लोग ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये किस लिए होता है हम लोग का जो मेन टारगेट है ब्लड सर्कुलेशन का ऑक्सीजन इन ब्लड ओके हम लोग जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ठीक है तो हम लोग का मेन टारगेट हार्ट का है कि टारगेट ये है कि यहाँ से ब्लड इम्प्योर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में सेंड करना तो लंग्स में क्या है ऑक्सीजन है हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है लंग्स पे आ रहा है ठीक है और हार्ट क्या करता है पंप करके लंग्स में ये ब्लड सेंड कर देता है और जो कैपिलरीज है वहाँ से क्या होगा लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट में आ जाएगा ठीक है तो ये जाके सीधा लंग्स में जाएगा ठीक है टू कहाँ पे जाएगा इट मूव्स टू लंग्स ठीक है तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा लंग्स में जाएगा फॉर टू गेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकालने ऑक्सीजन लेने के लिए ये कहाँ पे जाएगा ये लंग्स पे जाएगा कहाँ किस से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा ठीक है अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है व्हाट इज कॉल्ड आर्टरी आर्टरी का डिफिनेशन क्या है बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि आर्टरी का मतलब लोग समझते हैं आर्टरी होता है जहाँ पे प्योर ब्लड रहता है और वेन्स जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है बट दिस इज रॉन्ग आर्टरी का मतलब होता है जो वेसल हार्ट से ब्लड निकाल के लेके जा रहा है उसको आर्टरी कहते हैं राइट और जो वेसल हार्ट पे ब्लड लेके आ रहा है उसको वेन कहते हैं सपोज ये वेन पकड़ लेते हैं लाइट लेट टेक ये वेन पकड़ ये क्या करता है पूरा बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में लेके आ रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया वेन हो गया ठीक है और सेकेंडली क्या है आर्टरी क्या होता है जो सपोज ये आर्टरी क्या होता है जो हार्ट से ब्लड निकाल करके लेके जा रहा है उसको आर्टरी कहते हैं ठीक है ये हो गया आर्टरी का डेफिनेशन एंड द सेकंड टर्म इज पल्मोनरी क्या है पल्मोनरी मींस लंग्स द टर्म पल्मोनरी मींस लंग्स अभी बताओ पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी होता है जो हार्ट से ब्लड निकाल करके लंग्स पे ले जा रहा है इसीलिए उसको डेफिनेशन हमें आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी मतलब हार्ट से निकल रहा है ब्लड और पल्मोनरी मींस जो हार्ट से निकाल करके ब्लड को लंग्स में लेके जा रहा है ठीक है तो लंग्स में क्यों लेके जा रहा है टू गेट ऑक्सीजन कैसे निकाल आई मीन वाया पल्मोनरी आर्टरी यहाँ तक समझ में आ गया
पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो लेके वो क्या अगर केवल जो वेन है तो केवल वेन वो राइट ऑर्टिकल में आएगा, ठीक है, राइट ऑर्टिकल में आएगा. सेकेंडली वो राइट ऑर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है. आई मीन यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक ब्लड पूरा इम्प्यूर ब्लड है, आई मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. फिर यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स पे, लंग्स पे चला गया टू गेट ऑक्सीजन, ठीक है, ओके. यहाँ पर तो ऑक्सीजन मिल गया, लंग्स में आ गया, मतलब ऑक्सीजन आई मीन ब्लड को मिल गया. अभी लंग्स से क्या होगा, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया वो पल्मोनरी वेन से होके यहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑर्टिकल में आएगा, ठीक है. तो लंग्स से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल. सो पल्मोनरी वेन, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि वेन क्या होता है, जो वेसल ब्लड को बाहर से हार्ट में लेके आता है उसको वेन कहते हैं. और पल्मोनरी किस लिए कहते हैं, पल्मोनरी का आई मीन मीनिंग है लंग्स. सो पल्मोनरी वेन क्या होता है, जो वेसल लंग्स से ब्लड को लेके हार्ट में लेके आ रहा है, ठीक है. तो कौन सा चैनल पे लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, ये जो वेन है ना ये हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है. तो ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड इम्प्योर ब्लड जाके लंग्स में ऑक्सीजन लेके वो प्योर होके पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्टिकल में एंट्री हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया, देन लेफ्ट ऑर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, लेफ्ट ऑर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, यहाँ से आई मीन टू से ये जो लेफ्ट ऑर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. क्यों कैरी करता है, क्योंकि ब्लड तो चला गया यहाँ पे और लंग्स से पल्मोनरी वेन होके यहाँ पे प्योर ब्लड आई मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ में आ गया, राइट. और यहाँ से यहाँ में आ गया ब्लड, ठीक है. और यहाँ से क्या होगा, वाया दिस एओर्टा, दिस इज कॉल्ड एओर्टा, या यहाँ से होके फुल पूरा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है. क्या ब्लड चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, ठीक है. कौन सा ब्लड, ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ. यहाँ से पंपिंग होगा तो ब्लड यहाँ से होके कौन सी, अच्छा इस वेसल को हम लोग कहेंगे एओर्टा, ठीक है. तो वाया एओर्टा क्या होगा, पूरा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है. तो लेफ्ट ऑर्टिकल देन टू लेफ्ट वेंट्रिकल देन टू व्हाट, देन टू बॉडी, बॉडी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया एओर्टा. देखो ये कंप्लीट पाथवे है ब्लड फ्लो का. तो इसमें टारगेट क्या, हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग सर्कुलेशन का टारगेट ये है कि आई मीन से ब्लड में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एंट्री होना, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग का ब्लड में चाहिए फॉर टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म. हम लोग जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, लंग्स से मिलेगा. तो बॉडी, तो हार्ट क्या करता है, पूरा ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में देता है. वो हार्ट से लंग्स में आएगा, प्योर हो जाएगा, फिर हार्ट क्या करेगा, पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, जो यहाँ पे पाथवे इजीली दिया हुआ है. बॉडी देखो यहाँ पे भी लास्ट में भी बॉडी में आ रहा है, ठीक है. लेकिन फर्स्ट में क्या आएगा, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है. फिर बॉडी से राइट ऑर्टिकल आएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल आएगा, वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा जहाँ पे ये ऑक्सीजन टेकअप करेगा, ठीक है. डाउट क्लियर, ठीक है. लंग्स से क्या होगा, लेफ्ट ऑर्टिकल में आएगा, ठीक है, वाया पल्मोनरी वेन, ठीक है. लेफ्ट ऑर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर इससे बॉडी में आएगा, जो कि जो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा. तो फर्स्ट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, सेकंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिला है, लंग्स पे, क्लियर. अभी हम लोग
प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना ब्लड सर्कुलेशन का, उसका दो बेसिक सिस्टम होता है। फर्स्ट है, सेकंड सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये दो प्रोसेस है हार्ट का, मींस पंपिंग। ठीक है, हार्ट में क्या होता है, यहाँ पे पेसमेकर होता है। पेसमेकर मींस पल्सेटिव मसल, जो मसल पल्स क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग हार्ट जो पंपिंग हो वो कैसे होता है, वो तो ऐसे ही नहीं होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग हार्ट में ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, पेसमेकर एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है जो कि पंपिंग स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है पंपिंग। और ये पंपिंग से, ये स्टार्टअप ऑफ पंपिंग से पूरा हार्ट पंपिंग होता है। ठीक है, और हार्ट का पंपिंग को दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है हार्ट का प्रेस होना, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स होना, छोड़ना। ठीक है, जब प्रेसिंग होगा तब क्या होगा, हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, और जब रिलैक्स होगा क्या होगा, बाहर से ब्लड अंदर में आएगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस से कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, राइट। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन, ओरिकुलर सिस्टोल। ओरिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या है, कंप्रेसिंग। ठीक है, ब्लड को पंप करना। ओरिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, सिर्फ ओरिकुल ही पंपिंग करेगा। मतलब इस फर्स्ट स्टेप पे, दिस इज द स्टेप वन, यहाँ पे क्या होगा, ओरिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल यहाँ पे होगा, जो ये राइट ओरिकल है और ये लेफ्ट ओरिकल है। ठीक है, दोनों एक साथ पंपिंग होगा, लेकिन ये वाला पार्ट पंपिंग नहीं होगा, ये वाला पार्ट पंपिंग होगा। ठीक है, जब पंपिंग होगा तब क्या होगा, तब यहाँ से जो ब्लड यहाँ पे आया था, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, फादर पहले मैंने बताया था, इम्प्योर ब्लड पूरा पूरा बॉडी से राइट ओरिकल में जो आया था, वो पंपिंग होते ही क्या हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का ब्लड क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ का ब्लड कहाँ से आता है, ये अप्लीकेबल वेन, पूरे इम्प्योर ब्लड पूरा बॉडी से यहाँ पे आता था ना, और ये यहाँ का ब्लड कहाँ से आया, यहाँ से, जो प्योर ब्लड है लंग से प्यूरिफाई होकर यहाँ पे आया था। ठीक है, दोनों ब्लड पंपिंग होगा, तो दोनों मसल पंपिंग होने के साथ साथ ही इम्प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, राइट, क्लियर, एवरीवन इज क्लियर ऑन ओनली, बताओ। ठीक है, ये तो फास्ट हो गया, ये पंपिंग हो गया, पंपिंग होते ही क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ का ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, स्टेप टू, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या है, पंपिंग, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल पंप होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ये वाला पंप होकर कंप्रेस हो जाएगा, ये वाला पंप होकर कंप्रेस हो गया, मतलब ब्लड यहाँ से यहाँ पे चला गया। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो सेकंड पार्ट है ये दोनों पंपिंग हो जाएगा, ये भी पंप हो जाएगा। जब ये पंप होगा तब क्या होगा, तब होगा ब्लड जो है ना, जो यहाँ पे ब्लड है यहाँ से होके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, मैंने जो थोड़ा देर पहले कहा है, जो यहाँ का ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ से यहाँ पे जाता है, और जो प्योर ब्लड है यहाँ से एल्टा से पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से लंग्स में जाएगा और यहाँ से बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो पंप होते ही ये यहाँ का ब्लड जो है वो
पार्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ का ब्लड जो है वो फुल बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड LUBB, लव टप 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 होता है ना साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लव साउंड साउंड होता है। किस लिए ये साउंड होता है, होता है देखो यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड बाल्ब होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड बाल्ब होता है, ठीक है। अब तो ब्लड तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, ब्लड तो जहाँ से आया था वहां से भी तो जा सकता है कि नहीं, ब्लड तो यहाँ से आया था, एंट्री हुआ था ब्लड का, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया था ना, तो ब्लड तो यहाँ से नहीं जाते, जहाँ से आया था यहाँ पे भी जा सकता है। जब यहाँ पे पंपिंग हुआ है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से रिटर्न होके राइट ऑरिकल में भी तो जा सकता है, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसके लिए इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एपर्चर लीड लगा हुआ है, लीड ढक्कन, ठीक है, और जब ब्लड का यहाँ पे प्रेशर होगा तो ये ढक्कन यहाँ पे टप करके साउंड अटैच हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, ठीक है, और बंद होता ही ब्लड यहाँ से होके चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये ढक्कन बंद हो जाएगा क्योंकि बैक फ्लो से ये क्लोज हो जाएगा और ब्लड यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ये एक वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे एक लीड लगा हुआ है, ठीक है, लीड ढक्कन के साथ, सपोज यहाँ से ब्लड निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से होके इसको धक्का मार के निकल गया, लेकिन ये जब बैक फ्लो होगा तो ये यहाँ पे टपक करके लग जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ढक्कन का उल्टा लग जाना, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक लीड है, ठीक है, यहाँ पे ढक्कन है, तो यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलने के वक्त ये लीड अटैच हो जाएगा यहाँ पे, वो अटैच होते एक साउंड हो जाएगा, टप होता साउंड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये साउंड हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने हार्ट टच हुआ है, ऐसे ये लीड जब टच होगा यहाँ पे तो फर्स्ट साउंड निकलेगा LUBB लव साउंड, हाँ, ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये तो अटैच हो गया, देन ये जो यहाँ का ब्लड है ये यहाँ से होके कहाँ पे गया, लंग्स पे गया, और यहाँ का ब्लड कहाँ पे गया, एओर्टा में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फॉर टू गेट ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज ज्वाइंट स्टेप थ्री इज ज्वाइंट डायस्टोल। अब बता ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का मतलब है थोड़ा देर पहले बताया रिलैक्सेशन, पहले बताया था ना सिस्टोल एंड डायस्टोल दो टाइप है प्रोसेस है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, ठीक है, अभी रिलैक्सेशन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल मतलब तो ज्वाइंट किसको कहते हैं, दो एक साथ को हम लोग की कहते हैं ज्वाइंट, मतलब यहाँ पे राइट ऑरिकल राइट आई मीन लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस रहते रहते ये भी कंप्रेस हो गया, इसके बाद दोनों कंप्रेस एक साथ रिलैक्स होगा, राइट, पूरा हार्ट रिलैक्स होगा, जब हार्ट कुछ रिलैक्स होता है तब क्या होता है, बाहर से ब्लड एंट्री होता है, एक पंपिंग मशीन से पकड़ लो ना, एक पंपिंग मशीन से अगर पंप करोगे तो क्या होगा, प्रेशर दोगे तो क्या होगा, ब्लड जाएगा, अगर उसको रिलैक्स कर दोगे तो क्या होगा, ब्लड आएगा, राइट, तो यही टेक्निक होता है स्टेप थ्री ज्वाइंट डायस्टोल। अभी ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग ऑरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर रिलैक्स हो गया, अगर रिलैक्स हो गया तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट इसके बारे में सोचेंगे, ये क्या है राइट ऑरिकल, अगर रिलैक्स हो गया, अगर ज्वाइंट डायस्टोल मतलब ज्वाइंट एक साथ रिलैक्स हो गया ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, पोस्ट केवल वेन से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में एंट्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये अगर रिलैक्स हो गया तो उसमें सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें रिलैक्स हो रहा है मतलब खींच रहा है ब्लड बाहर से, तो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे एंट्री होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये छोड़ रहा है मतलब, और
आई मीन टू से ये भी तो रिलैक्स हो रहा है, उसके साथ ये भी रिलैक्स हो रहा है. जब ये भी रिलैक्स होगा तब क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? लंग्स से पल्मोनरी वेन से ब्लड इसमें एंट्री होगा, प्योर ब्लड इसमें एंट्री होगा. समझ रहे हो क्या होगा? मटलब दोनों, आई मीन टू से राइट ऑर्टिकल एंड लेफ्ट ऑर्टिकल दोनों रिलैक्स हो रहे हैं. मतलब पोस्ट केवल वेन से इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ रहा है और पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑर्टिकल में आ रहा है. ठीक है, ये तो आई मीन टू से ये तो हो गया ऑर्टिकल का बात. ठीक है, अभी हम वेंट्रिकल के बारे में बताएंगे कि वेंट्रिकल में क्या होता है अगर रिलैक्स हो गया. ठीक है, अगर हम लोग रिलैक्स हो रहे हैं तो क्या होगा? तो सपोज यहाँ से तो हम लोग ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, हम एंट्री निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ से निकाल, जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो यहाँ से ब्लड तो जाता है. अगर हम लोग रिलैक्स करते हैं तो यहाँ पे देखो कोई भी वेसल इसमें साथ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है. एक क्या, कोई भी वेसल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दो वेसल कनेक्टेड है. क्या क्या है? ये और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है. एंड सेकंड कौन सा है? एओटा कनेक्टेड है. ठीक है, थोड़ी देर पहले कंप्रेस हुआ था तो ब्लड तो यहाँ से निकल के चला गया था यहाँ पे. अभी जब हम लोग रिलीज करेंगे तो ये बार ये ब्लड ब्लड जो है वो कम्प्लीटली बैक फ्लो होके पूरा लंग्स में आ जाएगा. होगा कि नहीं, तो फायदा क्या होगा? इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा. इसके प्रिवेंट करने के लिए सेमीलुनर वाल्व होता है. सेमीलुनर वाल्व क्या है? सेमी का मतलब क्या है? हाफ, और लूनर का मतलब क्या है? मून. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बोल रहे हैं. ये और ये. ठीक है, वन हाफ मून, सेकंड हाफ मून, थर्ड हाफ मून. मतलब इसको सेमीलुनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वाल्व का स्ट्रक्चर है वो हाफ मून के शेप का है. राइट, तो इसको हम लोग इसीलिए हम लोग इसको सेमीलुनर वाल्व कहते हैं. तो क्या होगा? ब्लड तो इसमें से घुस जाएगा लेकिन रिटर्न बैक होता है ये इसकी तरह, जैसे कि यहाँ पर ब्लड फ्लो के साथ एक होता था, इसकी तरह ये भी ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देगा. ठीक है, तो ब्लड जब यहाँ पे रिलैक्स होगा तो ये ब्लड फ्लो को यहाँ पे स्टॉप कर देगा. ठीक है, बाय द वाल. एंड जब ये स्टॉप करेगा तभी धप के साउंड होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डप. तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में कौन सा साउंड हम लोग को सुनाई देगा? एल यू बी बी लप. और ज्वाइंट डायस्टोल में कौन सा साउंड सुनाई देता? डी यू पी पी डप. इसलिए हम लोग जब हार्ट पंपिंग होता है तो दो साउंड सुना जाता है, टप 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 सुना जाता है, दो साउंड ना. तो ये इट इज ड्यू टू द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड ज्वाइंट डायस्टोल. ठीक है, तो तीन स्टेप से हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन होता है. ठीक है, फर्स्ट क्या है? पंपिंग, यहाँ से पंपिंग होगा, पंपिंग होते ही यहाँ का ब्लड यहाँ पे चला जाएगा. सेकंड, यहाँ से यहाँ पे पंपिंग होगा तो ये ब्लड यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा. और यहाँ से ब्लड फ्लो स्टॉप करने के लिए ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होगा. ठीक है, तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल. ज्वाइंट डायस्टोल में सभी रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन के साथ साथ यहाँ से ब्लड यहाँ पे एंट्री होगा और लंग से बाल पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? जब ये रिलैक्सेशन होगा तो इसमें बैक फ्लो को रोकने के लिए ये सेमीलुनर वाल्व जो है ये स्टॉप कर देगा, इसको अटक जाएगा. इससे क्या होगा? यहाँ से उल्टा ब्लैक फ्लो नहीं होगा. ठीक है, ये तो एक स्टेप हो गया. फिर अगेन ऑर्टिकुलर सिस्टोल में आएगा, जहाँ पे फिर से यहाँ पे तो पंपिंग होगा, ये ब्लड यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा, फिर यहाँ पे ब्लड होगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा. ठीक है, ऐसे करके कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट होता है. ठीक है, ऑर्टिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? ब्लड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? यहाँ से द बॉडी एंड लंग्स में जाएगा. ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा? ब्लड यहाँ पे फुल हो जाएगा और यहाँ पे एम्प्टी रहेगा. ठीक है, एंड
फिर से क्या होगा, यहाँ का ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट ब्लड साइकिल ऑफ ह्यूमन और द मैमेलियन सर्कुलेशन। ओके ओके, यहाँ पे कोई डाउट, कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, थैंक यू।